लाइव चला, पूरा पब्लिक को दिखा, पूरा देश दुनिया को दिखा। 10 लड़का फेल है, 10 लड़का फेल हुआ है यहाँ से, 10 लड़का फेल हुआ है। टीचर ने बच्चे को पीटा, ये तो आम बात है, लेकिन झारखंड से इसके बिल्कुल उल्टी खबर सामने आई है। ये हैरान करने वाली भी है। यहाँ छात्रों ने अपने टीचर की पेड़ से बांध कर पिटाई कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि टीचर ने उन्हें एग्जाम में कम नंबर दिए थे। इतना ही नहीं, इन स्टूडेंट्स ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया। इसमें ये छात्र कह रहे हैं, लाइव चलाओ, लाइव चलाओ, इसको वायरल करना है, जानबूझकर कम नंबर दिया है, जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, भुगतना पड़ेगा। ये घटना झारखंड के दुमका स्थित गोपीकांदर अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय की है। दरअसल झारखंड बोर्ड ने शनिवार को जैक क्लास 9 रिजल्ट की घोषणा की। इसके बाद सोमवार 29 अगस्त 2022 को ये घटना घटी। पुलिस ने बताया कि दुमका के गोपीकांदर आवासीय स्कूल में 9वीं के 22 छात्रों में से 11 को ग्रेड डीडी मिला, जिसे फेल के समान माना जाता है। खराब नंबर मिलने से गुस्से में आए छात्रों ने स्कूल के मैथ्स टीचर कुमार सुमन, क्लर्क सोनीराम चौरे और अचिंत कुमार मलिक को स्कूल कैंपस में ही आम के पेड़ से बांधा और पिटाई कर दी। उन्हें चोटें भी आई हैं। टीचर पर आरोप है कि उन्होंने प्रैक्टिकल में कम नंबर दिए, जिसके कारण बच्चे फेल हो गए। क्लर्क ने झारखंड बोर्ड की वेबसाइट पर मार्क्स अपलोड किए। हालांकि वीडियो अनंत झा का कहना है कि सकम मैनेजमेंट न तो प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स दिखा सका, न ही उन्हें ऑनलाइन अपलोड करने की डेट। अब तक स्पष्ट नहीं है कि बच्चे थ्योरी में फेल हुए या प्रैक्टिकल में। यह स्कूल झारखंड सरकार के कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। घटना के बारे में गोपीकांदर पुलिस थाना इंचार्ज नित्यानंद भोक्ता ने पीटीआई को बताया कि मामले में कोई एफआईआर नहीं की गई है, क्योंकि बच्चों के करियर का ध्यान रखते हुए स्कूल प्रबंधन ने कोई लिखित शिकायत नहीं की। हालांकि क्लास घटनास्थल पर मौजूद क्लास 9 और 10 की कक्षाएं 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दी गयी। पहले स्कूल के प्रिंसिपल थे पीड़ित टीचर गोपीकांदर। वीडियो अनंत झा के अनुसार इस स्कूल में करीब 200 छात्र पढ़ते हैं। घटना के समय इनमें से ज्यादातर मौजूद थे। जिस टीचर की पिटाई हुई वह पहले उसी स्कूल के हेडमास्टर थे, लेकिन किसी कारण से उन्हें पद से हटा दिया गया। ये शिक्षकों के बीच प्रतिद्वंद्व का भी मामला हो सकता है। पहाड़िया आवासीय विद्यालय में शिक्षक और छात्रों के बीच कुछ गतिरोध का मामला प्रकाश में आया था, और उस गतिरोध के सूचना पर प्रशासन की टीम यहाँ पहुँची थी, जिसमें कुछ अन्य मुद्दे भी उभर कर सामने आए, और ये आवश्यक प्रतीत हुआ कि जो छात्रावास है उसमें एक बार लोगों से बात की जाए, बच्चों से बात की जाए। और इसी दौरान जांच के क्रम में कुछ बच्चों के पास से मोबाइल वगैरह बरामद हुआ है, तो उस मोबाइल को हम लोग अभी अपनी अभिरक्षा में रखे हुए हैं, ताकि इनके अभिभावकों को उसे सुपुर्द किया जा सके, इस हिदायत के साथ कि बच्चों को यहाँ पर मोबाइल नहीं उपलब्ध कराएं। मारपीट की बात सामने आई थी सर, क्या है उसमें? हम लोग जब आए उस समय तक ऐसी कोई बात नहीं थी। इसके पहले छात्रों और शिक्षकों के बीच में कुछ गतिरोध की बात आई थी सामने, तो उस गतिरोध के निदान के लिए ही हम यहाँ पहुँचे हुए। ये तो हम लोग नहीं देख पाए थे, जैसे सुनने में आया कि किया था, लेकिन हम लोग जब तक साक्षात्कार नहीं, हम लोग जब आए तब तक मामला शांत था। सब अपना अपना क्लास में या हॉस्टल में बच्चे थे। छात्रों का आरोप तो इसे हम पूछताछ किए कि हम लोग का प्रैक्टिकल नंबर कम दिया था, और इसकी जानकारी लेने गए तो हम लोग को धमका रहे थे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।